प्रेशन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये डिप्रेशन आगे जाकर बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है हेल्थ को। और डिप्रेशन का आज तक कई लोगों को ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है कि उनका ट्रीटमेंट क्या लें, वो होम्योपैथी मिले, एलोपैथी मिले, इंग्लिश में लें। तो इस वीडियोस के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कई लोगों को हम आउट करेंगे कि उनको डिप्रेशन है ही नहीं, वो डिप्रेशन के मरीज वैसे ही बन गए हैं या बना दिए गए हैं। तो उस कैटेगरी को हम आउट करेंगे और उनको समझाऊंगा कि उनको डिप्रेशन है ही नहीं, ना ही उनको पहले कभी था। तो उन कैटेगरी वालों पेशेंट को हम अलग निकाल देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैटेगरी के अंदर कम से कम 90% के लोग आते हैं जिनको डिप्रेशन नहीं है, और हम उनको बाहर निकालेंगे कि आपको डिप्रेशन नहीं है, ना ही आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको कुछ और इलाज की ज़रूरत है, डिप्रेशन वाली मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चैनल पर नए हैं, मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी जो ये चैनल है, इस चैनल पर हम जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो लॉजिकल हैं, वही बात करते हैं। हम ऐसी बात नहीं करते, अगर होम्योपैथी बेस्ड ये चैनल है कि ये मेडिसिन ये कर देती है, एक दिन में ठीक कर देती है, 5 दिन में, जो लॉजिक होता है, जो साइंस होता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो डिप्रेशन के अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि आप टायर्ड हो या डिप्रेशन में हो। 90% तक जो लोग हैं वो होते हैं टायर्ड, थके हुए, जैसे कि ऑफिस वर्कर हैं, उन्होंने दिन भर दिमाग का काम किया है, वो टायर्ड हैं, वो डिप्रेशन नहीं है। वो घर आएंगे बिल्कुल ऐसे आएंगे, कोने में बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी फिजिकली लेवल और मेंटली लेवल तक वो थक चुके हैं। यहीं पे वो लोग अपने आप को डिप्रेशन का समझने लग जाते हैं, या उनके आसपास के लोग उसको एक कोने में बैठा देखकर बोलने लग जाते हैं कि डिप्रेशन हो गया इसको, तो डिप्रेशन हो गया इसको, तो डिप्रेशन हो गया। भाई, ऑफिस वर्कर जो लोग हैं वो टायर्ड होते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत है, उनको बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। हम क्या समझते हैं इसको, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं जब शाम को आऊँगा, मैं तो चलो काफ़ी एनर्जेटिक रहता हूँ क्योंकि मेरी डाइट उस हिसाब से है, जो जो मुझे न्यूट्रिशन चाहिए टाइर्डनेस को दूर करने के लिए वो लेता रहता हूँ। नहीं तो जैसे कोई डॉक्टर है या कोई रिसर्चर है या ऑफिस वर्कर है, कहीं पे बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहने का काम है, मेंटली जिनका ज़्यादा काम रहता है, तो दिमाग है पूरी एनर्जी वो दिमाग की वो यूज कर देते हैं, उनके पास पीछे स्टोर खाली हो जाता है। तो जब वो शाम को बैग उठा के अपना घर आएंगे तो बिल्कुल ढीले आएंगे, एक कोने बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को जो 90% लोग हैं वो डिप्रेशन समझने लग जाते हैं, और आसपास के लोग उसको डिप्रेशन बता बता के उसको सच में डाल देते हैं। तो अब आपको समझ होगा कि आपको डिप्रेशन था ही नहीं, आप टायर्ड थे, अपने काम से थक गए थे, इसलिए आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत थी, पर आपने उसको डिप्रेशन बताकर मेडिसिन खाने लग गए हो। अब जो डिप्रेशन की बात करते हैं, जो हम डिप्रेशन बात करते हैं वो होता है असलियत में, जैसे कि डिप्रेशन, वी विल से लाइक इफ एनीवन हैज़ ए लॉस ऑफ लव्ड वन और वन ऑन फैमिली मेम्बर और वन ए वेरी गुड फ्रेंड, सो व्हेन यू लॉस समवन देन यू विल गो टुवर्ड द डिप्रेशन। तो उसके बाद जैसे कई लोग क्या होती है, तो वो स्ट्रेस ले जाते हैं अपना किसी भी काम को, उनका कोई मोटिव था, अब उस मोटिव को पूरा नहीं हुआ उनका, तो मोटिव के पूरा होने के बाद है वो क्या होता है, कुछ समय के लिए बॉडी स्ट्रेस लेती है। जब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की, ये एक तरह की एक्टिव कंडीशन है, जब कोई मोटिवेशन है, हमारा कोई गोल है पूरा नहीं होगा, तो बॉडी कुछ समय के लिए रिलैक्स लेगी, क्योंकि जब आप किसी मोटिव को पूरा करने के लिए इच्छा करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दौड़ लगाओगे तभी समझोगे कि मोटिव पूरा हो गया है। अगर आप दिमाग में भी सोच रहे हो कि दौड़ लगाने जानी है, मैंने दौड़ लगाने जा रही है, तो बॉडी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। तो ऐसे स्ट्रेस डालने से जो आपने काम करने ही नहीं है उसके बारे में एक महीना सोचते रहे हो, तो ये स्ट्रेस है बॉडी में आगे चलकर डिप्रेशन में चला जाएगा। तो स्ट्रेस से कंडीशन शुरू होती है, तो स्ट्रेस हम कैसे डालते हैं, सोच सोच के। अगर कोई काम करना है तो करो, नहीं करना है तो चुप करके बैठ जाओ, आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कभी नहीं डालना चाहिए, फिजिकली और मेंटली भी। फिजिकली हो गया, आपको भूख थी एक चपाती की, खा गए 10, तो
तो ये हो गया फिजिकली स्ट्रेस। ऐसे मेंटली स्ट्रेस होता है, आपने काम कोई करना नहीं, यहाँ से उठकर वहाँ जाना नहीं है ग्लास उठाने के लिए, और सोचते रहना दिन भर ग्लास उठाऊं कि ना उठाऊं, ग्लास उठाऊं कि ना उठाऊं, एक एक महीना सोचते रहेंगे। तो ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में बार बार रहने से जो काम आपने करने नहीं है, बॉडी के ऊपर आपने इतना स्ट्रेस डाल दिया है, तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो गुर्दों के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड है, वो छोड़ती है, जिसको हम बोल देते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। स्ट्रेस में आप रहोगे, जो आपने काम करने ही नहीं है, तो ये बॉडी हार्मोन ज़्यादा छोड़ेगी। अगर नॉर्मल से ये ज़्यादा छोड़ने लग जाएगी, बॉडी को लगातार स्ट्रेस में डालती जा रहे हो आप, तो ये आगे चलकर डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन है, इतना ज़्यादा बॉडी ने छोड़ दिया है, अब उसके पास कॉर्टिसोल छोड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, कॉर्टिसोल वाला स्टोर हाउस खाली हो गया है, कि जैसी कॉर्टिसोल है आपका गड़बड़ होगा तो डिप्रेशन में आपने चले जाना है, क्योंकि कॉर्टिसोल है डिप्रेशन से बचाता है, तो इसको आप डैमेज करते हो कॉर्टिसोल को। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोटिवेशन वीडियोज़। मोटिवेशन वीडियोज़ है वो सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का, क्योंकि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस वाली स्टेज में होता है, तो बॉडी उसको रिलैक्स करती है, तो उसको सोचना चाहिए कि भाई बॉडी को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, उसको नींद की ज़रूरत है, बॉडी चाहती है कि स्ट्रेस को फ्री करने के लिए शरीर को ढीला रखना है और नींद लानी है। हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो कोई देख लेते हैं, अच्छा सुबह 5 बजे उठना है, तो भाई बॉडी को नींद की ज़रूरत है, 5 बजे नहीं उठना है, आप उसको नींद दो, अच्छा दिन भर 5 बजे उठकर 5 से 10 बजे तक काम करना है, जैसे वीडियोस में दिखाया जाता है, हर रोज 5 से 10 बजे तक ये काम करो, तो भाई आपके बस की नहीं है ऐसा करना, बॉडी को स्ट्रेस में कंडीशन है अभी, साथ ही उसको सोकर ठीक कर लो, कोई काम करने वाला है तो करो, नहीं होता तो मत करो, अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन में है तब नया काम नहीं करना चाहिए कभी भी, ब्रेन के ऊपर इतना लोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन वीडियो आपने देख ली है, आप स्ट्रेस वाली कंडीशन चल रहे हो भी 4 बजे उठना है, ये करना है, आप 2 दिन ही 4 बजे उठोगे, उसके बाद कभी उठोगे नहीं, क्योंकि बॉडी की भी अपनी लिमिट है काम करने की, स्ट्रेस वाली हालत में बॉडी यही चाहती है कि आपको नींद आए, आप रिलैक्स करो, आप दोनों चीज़ें नहीं देते स्ट्रेस वाली हालत में, आप नींद भी नहीं देते, रिलैक्स भी नहीं होते, आप क्या करते हो मोटिवेशन वीडियो देखते हो, 4 बजे उठ के दौड़ने लग गए, किसी ने बता दिया 10 गिलास पानी पी लो ये हो जाएगा, किसी ने बता दिया मलाई खा लो, किसी ने बता दिया चवनप्राश खा लो, तो ऐसे नहीं करना है, रिलैक्स करना है, बॉडी जो आपसे करवा रही है वो करनी चाहिए, और स्ट्रेस के साथ आपको मैनेज करना है कुछ दिनों के लिए, रिलैक्स रहना और नींद लेनी है, तो बॉडी अपने आप ही आपको स्ट्रेस से फ्री कर देगी। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो कभी वो काम ना करो जो आपकी बॉडी आपसे करवाना नहीं चाहती है, जैसे कि वही 4 बजे उठने वाली, आप 2 दिन ही उठोगे देख लेना, 3रे दिन आप उठोगे नहीं, उससे भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, किसी ने बोल दिया एक्सरसाइज करो, आप 2 दिन ही करोगे, बॉडी को तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है, नींद लाने की ज़रूरत है, बॉडी तो आपको नींद लाएगी, आप उससे उल्टा काम करोगे, दौड़ोगे भागोगे ये करोगे वो करोगे, तो आपको डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे बॉडी चाहती है, जितने दिन के लिए बॉडी आपको रिलैक्स करती है उतने दिन नींद लेनी चाहिए, जब भी आपको नींद आती है आपको ले लेनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। और अब हम जानते हैं कुछ बीमारियों के बारे में जो वाकई डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि किसी का बीपी लो रहता हो तो डिप्रेशन में जल्दी चला जाता है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि दिमाग को खून की ज़रूरत होती है, बीपी जिनका लो रहेगा वो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर ब्रेन की नहीं हो पाएगी, शुगर का लेवल जिनका कम रहता है, अब यहाँ पे मेरा ये बोलने का नहीं है कि शुगर का लेवल कम रहता है तो आप चीनी 1 किलो खा जाओ दिन में, नहीं, शुगर किस बीमारी की वजह से कम हो रही हैं वो 10 बीमारियाँ हैं, उस बीमारी का इलाज करना है, शुगर का लेवल ठीक रहने लग जाएगा तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस को आप बैलेंस करने लग जाओगे। प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो आप, जब सोने का टाइम है तब जग रहे हो, जब नहीं सोने का टाइम है तब आप सो रहे हो। कैफीन है आप सारे दिन में ज़्यादा ले रहे हो, जैसे चॉकलेट के अंदर कैफीन है या कॉफ़ी है, कैफीन ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, जैसे कि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, बच्चे दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं कि इतना एक्टिव हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि उसके अंदर कैफीन डाला होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कई हैं उनके अंदर कैफीन डाला जाता है, तभी तो बोला जाता है कि आप कहीं पर भी चले जाओ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एनर्जी आ जाती है, वो कैफीन का कमाल है, कैफीन है वो दिमाग को स्टिमुलेट करती है, ज़्यादा एक्टिवेट करती है,
ये ऐसे ही है, अगर कोई बीमार बंदा है उसको हम 4 पैसे उठाकर बोले दिन भर तू काम कर, तो शाम तक मिलेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बीमार बंदे से काम इतना नहीं कराना चाहिए कि वो बिल्कुल ही मर जाए। तो कैफीन का भी यही सीन है, आप डिप्रेशन में हो, ब्रेन रिलैक्स रहना चाहता है, आप उसको जगा दिया है, बोल रहे हो कि जाग दौड़, वो दौड़ेगा, एक दिन इतना दौड़ लेगा वो ठप पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इन्फेक्शन ब्लड में कोई हो जाए, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गई है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या ऐसी और हाइड्रोसेफलस जैसी कंडीशन आ रही है, या वहाँ की जो लेयर्स हैं ब्रेन की, मेनिंजाइटिस हो गया है, तो ऐसी कोई ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो गई है या ब्लड के अंदर, उसकी वजह से डिप्रेशन रहने लग जाता है। मेडिसन्स हैं वो भी डिप्रेशन करती हैं, बहुत सारी मेडिसन है, इंग्लिश है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, तो ऐसे बहुत सारी मेडिसन्स हैं जो ज़्यादा लेने से डिप्रेशन हो जाता है। लिवर जिनका बीमार रहता है वो भी डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मरीज रहते हैं। कोई और बीमारी चल रही है, जैसे औरतों के अंदर PCOD है, अंडेदानियों के अंदर सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, और थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को, और कोई हार्मोन की प्रॉब्लम है, चाहे आदमियों के अंदर है चाहे औरतों के अंदर है, थायराइड या हार्मोन की कोई और भी प्रॉब्लम है, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, तो ऐसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस चल रही है, तो ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। तो ये गलती नहीं करनी, आपको डिप्रेशन हो रहा है तो आपको कुछ जांच भी करवा लेनी चाहिए अपनी, कि कहीं कोई बीमारी की वजह से तो नहीं डिप्रेशन आ रहा। तो उस बीमारी का इलाज लोगे तब डिप्रेशन ठीक होगा। हम क्या करते हैं, होम्योपैथी या आयुर्वेदा या किसी भी एलोपैथी में सीधा इसका इलाज लेने लग जाते हैं, डिप्रेशन का, जो इलाज है ही नहीं। हो सकता है डिप्रेशन आपको लो BP की वजह से हो सकता है शुगर कम रहने की वजह से हो सकता है थायराइड का नहीं। आप डिप्रेशन एक बार ठीक करेगी मेडिसिन, चाहे कहीं से भी ले रहे हो, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे इंग्लिश है, एक बार ठीक करेगी, बीमारी एक दिन इतना बढ़ जाएगी वहाँ कैंसर तक पहुँच जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी जाँच करवा लेना है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो डिप्रेशन वाले पेशेंट को हमेशा विटामिन B, विटामिन K की ज़रूरत पड़ती है डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। उसको हर रोज़ सैर करनी चाहिए, और विटामिन D है वो लेना चाहिए, ये एंटी डिप्रेशन इसके अंदर रोल है इसका, विटामिन D का। और नींद, जब उसको नींद आए कहीं पे भी बैठा है आधा घंटा सो जाना चाहिए। अब बात है कि डिप्रेशन का एक मेन रीज़न और है जो हम करते हैं हर रोज़, डिप्रेशन जो हम हर रोज़ दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, वो है मेडुला ऑब्लॉन्गटा और थैलेमस। ये हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर दो ऐसे हिस्से हैं जिनकी नॉर्मल एक्टिविटी डिस्टर्ब हम खुद करके डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लॉन्गटा और थैलेमस को हम कैसे परेशान करेंगे कि ये डिप्रेशन प्रोड्यूस कर दे। जैसे कि मेडुला ऑब्लॉन्गटा और थैलेमस का काम क्या है, इन दोनों हिस्सों का काम है शरीर की नॉर्मल एक्टिविटी को चलाना। जैसे कि आप रात को सोते समय सांस लेते रहते हो तो आप खुद नहीं लेते, सांस अपने आप चलता रहता है। दिल की जो आप धड़कन है वो खुद सोच के नहीं धड़काते, ये मेडुला ऑब्लॉन्गटा और थैलेमस अपने आप दिल को चलाते रहते हैं। तो जो ऐसे हमारे अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन है ये हम डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि जैसे ही शरीर के अंदर पानी की कमी होगी आपको प्यास लग जाएगी, जीभ सूखने लग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि मुझे पानी की ज़रूरत है। ये काम कौन करता है कि आपको पता लग जाए पानी की ज़रूरत है, मुंह आपका सूखने लग जाता है, ये काम है मेडुला ऑब्लॉन्गटा का। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग को हम डिस्टर्ब करते हैं कैसे, जैसे कि कई लोगों की आदत है सुबह सुबह उठ के पानी पीते हैं 10-10 गिलास तेजाब को ठीक करने के लिए, प्यास तो लगी है नहीं। नॉर्मल फंक्शन किसका है, जब पानी की ज़रूरत होगी प्यास लगनी, मेडुला ऑब्लॉन्गटा का। तो इसको डिस्टर्ब कैसे कर दिया, पानी की जरूरत थी नहीं, हमने इसकी नॉर्मल रिदम को कैसे गड़बड़ किया, सुबह सुबह उठ के 10 गिलास पानी पीते। तो तेजाब के साथ साथ आप को भी डिस्टर्ब कर दिया आपने, आपने मेडुला ऑब्लॉन्गटा को भी ख़राब कर दिया। नॉर्मल रिदम अगर इसकी ख़राब कर दी तो सारा कुछ ही ख़राब हो जाएगा, उसके बाद आपकी नींद भी ख़राब हो जाएगी, आपकी सोच भी डैमेज हो जाएगी, ब्रेन की एक्टिविटी भी डैमेज हो जाएगी, सारा काम उल्ट पुलट हो जाएगा। ऐसी उल्ट आते करके भी आप मेडुला ऑब्लॉन्गटा को ख़राब करते हो। अगर इसकी नॉर्मल रिदम आप ख़राब करोगे तो भाई आपका काम गड़बड़ी होने वाला है। तो जैसे जो सुबह उठ के लोग पानी पीते हैं तेजाब के लिए, वो मेरी अलग से ही वीडियो है कि तेजाब के लिए 15 बीमारियाँ, उन बीमारियों का इलाज करें, पानी पीना इलाज थोड़ी है कोई, 10 बीमारियाँ और लग जाएंगी आपको, गुर्दे आपके ख़राब हो जाएंगे। तो नॉर्मल रिदम को दोबारा बरकरार रखने के लिए हम क्या करें, ये है सबसे इम्पोर्टेंट। एक,
आयुर्वेदा के अंदर योगा है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, जिसके अंदर हम एक नाक की साइड से हवा अंदर खींचते हैं, दूसरी साइड से बाहर छोड़ते हैं, फिर उसी साइड से दोबारा खींचते हैं और दूसरी साइड से अपोजिट साइड से बाहर निकाल देते हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो अनुलोम विलोम के अंदर योगा के अंदर जो मूवमेंट है, ये आप वीडियोस देख लें, कहीं से भी पता कर लें, ये सही तरीके से करें। मेडुला ओब्लॉन्टा को अकेला यही योगा है जो ठीक करता है, नॉर्मल रिदम में लाता है जो आपने गड़बड़ कर दिया है। तो इसको ठीक कर लें, आपकी काफ़ी तकलीफ़ें डिप्रेशन की वो लगभग ठीक हो जाएंगी। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आप टायर्ड हो के भैया डिप्रेशन में हो, टायर्ड वाले को डिप्रेशन का पेशेंट बना दिया जाता है, ऐसा नहीं करना है। बीमारियों की जांच करवा लेनी है आपने, फ्री ट्रीटमेंट लेना है। तो आपको पता लग गया होगा कि आप टायर्ड हो, थकान होगी, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आप डिप्रेशन के मरीज नहीं हो। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो मैं बता दूं, इस चैनल पर हम जो भी वीडियोज़ लेके आते हैं ऐसी साइंस बेस्ड लेके आते हैं। इसके बिना भी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कैंसर के ऊपर, मेल सेक्स हेल्थ के ऊपर, फीमेल हेल्थ के ऊपर, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, पेट के रोग हैं, जोड़ों के बीमारियाँ हैं, एलर्जी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, थायराइड है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तो एक्ने, ऐसी और भी साइंस बेस्ड वीडियोस मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो उसके बेल का आइकन दिख रहा है उसको दबा दें ताकि आप तक हर रोज़ मेरी वीडियो पहुँचती रहे। अगर ऐसी कोई बीमारी या इसके बिना भी और कोई बीमारी आपके आस पड़ोस में या आपके किसी जान पहचान वाले को है तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी सलाह कर ले सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखिए।